गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि मैं जानता हूँ कि फेज़ टू के एडमिट कार्ड डाउनलोड को लेके काफ़ी इशू आते हैं कुछ बच्चों के पास, तो काफ़ी बच्चों ने मुझसे कांटेक्ट किया ऑफलाइन, तो मैंने कहा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि यही सेम प्रॉब्लम आपको भी आ रही होगी। तो जो भी मैं यहाँ पे डिटेल बोल रहा हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं बोल रहा हूँ, मैं वही डिटेल बोल रहा हूँ जो मैंने कम से कम 40 से 45 बच्चों से वेरीफाई किया है, जो अग्निवीर में ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे हैं या जो 27 तारीख को बेलगांव जा रहे हैं। तो मैं उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, उनको कहाँ प्रॉब्लम आई, क्या प्रॉब्लम आई और इससे आपको आगे क्या नुकसान हो सकता है या फ़ायदा हो सकता है। देखिए, यहाँ पे आप इस यूआरएल पे जाएंगे, आप लॉगिन करेंगे, यूआरएल मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में आपको शेयर कर लूँगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे अपने ईमेल डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पे आप जो डिटेल यहाँ पे दिख रही है उसको यहाँ पे एंटर करना है, फिर लॉगिन करेंगे। मैं यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट की डेटा शेयर नहीं करना चाहता, तो आपके पास सिंपल से सारी जानकारी, आप लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके को क्या एक्चुअली अपलोड फॉर्म आएगा और क्या आपको दिक्कत आएगी। देखिए, जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको क्या क्या दिक्कत आएगी, अपलोड LMV ड्राइविंग लाइसेंस और अपलोड टू व्हीलर लाइसेंस। देखिए, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और चाहे आप किसी भी राज्य से हैं, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, होता क्या है जब अपन फॉर्म भरते हैं तो अपन गलती से कुछ एक्चुअली ऑप्शन देखते नहीं, या अपने थ्रू कोई भी अगर दूसरा फॉर्म भर रहा है और वो अगर नहीं देखता है तो वो गलत ऑप्शन टिक कर लेता है, और इसकी प्रॉब्लम उनको जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जाते हैं तभी आती है। तो इसमें कुछ नहीं है, अगर आपके पास DL है तब तो आप उसकी कॉपी अपलोड कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है, DL के लिए भी अप्लाई कर लीजिए। DL के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको हो सकता है लर्निंग लाइसेंस मिले, लर्निंग लाइसेंस में भी टाइम लगेगा, इतना आपके पास टाइम नहीं, आपको स्लिप मिलेगी जो भी आप वहाँ पर पेमेंट करेंगे, वो स्लिप आप अपलोड कर लीजिए। यकीन मानिए इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आप ऐसी हालत में हैं कि जहाँ पे आप स्लिप भी अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, ड्राइविंग के लिए पेमेंट नहीं कर सकते, बहुत दूर है, अभी वहाँ पे आपका नंबर नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, आपको कुछ दिन रुकने के लिए कहा गया था, उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, आप कोई भी अपनी दूसरी ID, जो भी आपके पास वोटर ID है, या मान लीजिए आपके पास जो आपके ये अपने आधार कार्ड है, क्योंकि देखिए उसकी कॉपी अपलोड कर सकते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि आप एक जेन्युइन पर्सन है, आपने एग्ज़ाम दिया है, आप ही फेस टू फेस करने जा रहे हैं, यहाँ पे कोई एक्चुअली चीटिंग हो नहीं रही। तो एयरफोर्स भी इस चीज़ को समझता है कि जब भी फॉर्म भरते हैं तो अपन बहुत से ऑप्शन टिक गलत कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हैरान या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप डील कर अप्लाई कर दिए, उसकी स्लिप यहाँ भर सकते हैं, अगर वो भी आपके पास अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो आप कोई दूसरी अपनी ID भर लीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल जेन्युइन पर्सन है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, सेकंड क्या होता है, नेक्स्ट अगर अपन चलते हैं तो कंप्यूटर कोर्स को लेके प्रॉब्लम आती है। तो कंप्यूटर कोर्स में आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको कोई कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है आप भर सकते हैं, अगर आप अभी कॉलेज में कोई कंप्यूटर कोर्स आपकी डिग्री के अंदर है आप, तो भी आप उसको मेंशन कर सकते हैं मार्कशीट को, या मान लीजिए आपके पास कोई कोर्स नहीं है तो आप सिंपल कुछ मत करिए, जिस भी राज्य में, जो भी राज्य में आप पढ़ाई कर रहे हैं या जहाँ से आपने फॉर्म भरा है, तो वहाँ पर कोई भी कंप्यूटर कोर्स होगा, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने, वो कंप्यूटर कोर्स आप भर दीजिए, उसकी फ़ीस भर दीजिए, जैसे आप फीस भरेंगे उसको आपको स्लिप मिलेगी, जो भी गवर्नमेंट कोर्स करवाती है उसको आप यहाँ पर भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सबसे सेफ रास्ता है, कोई इश्यू नहीं आएगा। कोई भी आप अगर माने राजस्थान से या किसी भी स्टेट से, जो भी गवर्नमेंट आपको कोर्स करवाती है, बाकी वैकेंसी में जैसे नेसेसरी होता है, पर यहाँ पे आपने फॉर्म भरते टाइम गलती करी है तो आप यहाँ पे वो स्लिप लेके भर सकते हैं, अगर आप अभी कोई कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करते हैं। अब देखिए, ग्रेजुएशन को लेकर क्या प्रॉब्लम आएगी, ग्रेजुएशन को लेकर प्रॉब्लम आएगी कि आपने वहाँ टिक लगा दिया कि आप ग्रेजुएट हैं, लेकिन अभी आप फर्स्ट ईयर में या आप भले 12th पास करिए, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है, फर्स्ट ईयर पास करिए, सेकंड ईयर पास करिए, उसकी मार्कशीट कॉपी लगा दीजिए। अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन लिया, जो आपको स्लिप मिली वो आप अपलोड कर लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो आप 12th की मार्कशीट अपलोड कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम। देखिए, आपको कुछ ना कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, उसके अदरवाइज आप फेस टू में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, आप जेन्युइन है, आपने बाय मिस्टेक फॉर्म भरते टाइम ये गलती कर दी, तो आपको एयरफोर्स में नहीं रोकेगा। आज तक किसी बच्चे ने मुझे नहीं कहा कि, बहुत से बच्चे गलतियाँ करते हैं, किसी ने नहीं कहा सर हमें रोका गया, क्योंकि आपने टेस्ट दिया, आप ही फेस टू कर रहे हैं, आपको कोई फ्रॉड यहाँ पे है नहीं, तो आप बेफिक्र होकर डिटेल भर लीजिए, चारों ऑप्शन में आप कोई भी स्लिप भर लीजिए, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट भर लीजिए, आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है उसको स्लिप भर दीजिए, जो आपने पेमेंट किया है कंप्यूटर के ज्वाइन कर लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है आप ज्वाइन कर लीजिए, नहीं मिलता कोई ID भर दीजिए। राइट, चलिए, कोई भी डाउट हो कमेंट करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।